हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साक्षर मदर। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें मेरी व्यूवर ने मुझसे काउंट एंड मैच पे वीडियो बनाने के लिए कहा। थैंक्स फॉर योर कमेंट। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि छोटे बच्चों को इजीएस्ट वे में काउंट एंड मैच किस तरह से सिखाएं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स। छोटे बच्चों को काउंट एंड मैच करने के लिए सबसे पहले हम उसे काउंटिंग सिखाते हैं। 1 to 10 जब बच्चे को हम काउंटिंग सिखा देते हैं तो हम उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं। जैसे इस तरह से अगर ये स्केच है तो मैं 3 स्केच का एक बंडल बना लूँगी और मैं उससे कहूँगी कि इसी तरह से तुम 3 स्केच का एक बंडल बनाओ। तो बच्चा इतने में से काउंट करेगा 1, 2 and 3 और इस तरह से वो एक दूसरा बंडल इसे बनाएगा और दोनों को मिलाएगा। तो इस तरह से बच्चा काउंट एंड मैच करना सीखेगा। इस तरह से आप पेंसिल में, इरेजर में, या आपके अगर फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, या किसी तरह का कोई टॉय है उसके पास, छोटे छोटे बटन होते हैं, आप इन चीज़ों को लेकर पहले उसे काउंट एंड मैच करना सिखाएं। आप मार्केट से इस तरह के नंबर्स ला सकते हैं और बच्चे को बता सकते हैं कि ये क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ पर कहाँ है, उसे 3 के ऊपर रखो। बच्चा इस तरह से देखेगा और मैच करेगा। फिर बच्चा ये देंगे, ये क्या है, ये 6 है, 6 कहाँ है, इसे इस 6 के ऊपर रखो। और इस तरह से करते हुए बच्चा इन नंबरों के ऊपर इन नंबरों को रखेगा, मैच करेगा। और जब बच्चा ये करने लग जाए उसके बाद हम इसको एक दूसरे तरीके से, इस चार्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बच्चे को इस तरह का कार्ड बना कर दे सकते हैं। ये क्या है, इसे काउंट करो, 1, 2, 3 and 4, तो 4 इसमें है। ये कितना है, बच्चा इसे काउंट करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 है। तो 10 यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, तो बच्चा इसको इसके साथ मैच करेगा। फिर ये बच्चा देखेगा ये क्या है, 1, 2, 3, ये 3 कहाँ है, तो 3 यहाँ है। तो इस तरह से बच्चा काउंट एंड मैच सीखता है। इस तरह से आप एक चार्ट बना कर दे सकते हैं। जब भी आप बच्चे को इस तरह से मैचिंग करना सिखाते हैं तो बच्चे को बताइए कि ये क्या है, बोलो 2 और फिर 2 से मैच करो। तो इस तरह से बच्चा कर सकता है। आप ये भी कर सकते हैं कि 2 फ्लावर बनाकर 2 फ्लावर के साथ मैच करने के लिए भी बच्चे को दे सकते हैं। तो इससे बच्चा क्या करेगा कि दोनों तरफ काउंटिंग करेगा, तो काउंट एंड मैच बच्चे को ज़्यादा आसानी से आएगा। इसके बाद यहाँ मैंने यहाँ कुछ फिगर बनाए हुए हैं और यहाँ नंबर दिया हुआ है। बच्चे से कहेंगे कितना फिगर है, इसको पहले वो काउंट करे, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 कहाँ है, 4 यहाँ पर है, तो इस 4 को इस 4 के साथ मैच करेगा। ये कितना है, 1, तो इस सन को इस 1 के साथ बच्चा मैच करेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर दे सकते हैं बच्चे को, मैंने यहाँ पर फ्लावर बना दिया है और यहाँ 3 नंबर दे दिए हैं, बच्चे को बोलेंगे उसे सर्कल करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बच्चा इस 6 को सर्कल करेगा और इसको मैच भी कर सकता है। इसमें मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और यहाँ पे कॉलम खाली छोड़ा हुआ है। बच्चे को पूछेंगे क्या है, तो बच्चा बोलेगा ये 4 है, तो उसको आप यहाँ पे 4 डॉट करने के लिए कहेंगे, 1, 2, 3 and 4, इस तरह से 4 डॉट करके बच्चा काउंट एंड मैच करना सीखेगा, 1, 2, 3, 4। अब इसमें 4 कहाँ है, बच्चा खोजेगा और इसको यहाँ पर रखेगा। ये कितना है, 1, 2, इसमें 2 कहाँ है, ये 2 है, तो बच्चा इसको यहाँ पर रखेगा। इस तरह से भी बच्चा काउंट एंड मैच सीखता है। अब अगली वर्कशीट है, यहाँ पर मैंने कुछ फिगर बनाए हुए हैं। बच्चा ये वाटरमेलन देखेगा और इसमें सीड्स काउंट करेगा और उनको यहाँ पर लिखेगा। इसी तरह से इस आइसक्रीम के ऊपर जो चेरी लगी हुई है, इसे काउंट करके बच्चा इस बॉक्स में लिखेगा। यहाँ पर्ल वाली एक माला है, बच्चा इन पर्ल को काउंट करेगा और यहाँ पर लिखेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।